मंगलवार रात 9:30 बजे के करीब शिमला के इजी चौक पर तारा रेस्टोरेंट में हुए एक दर्दनाक हादसे में वहां काम करने वाले एक मजदूर की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार रेस्टोरेंट में एक जोरदार धमाका हुआ जिससे वहां काम करने वाले एक कर्मचारी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट में एक साथ 3 सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट में रखे सिलेंडर में जब आग लगी तो वहां पर एक वेटर व एक मसालची थे। जैसे ही सिलेंडर में आग लगी तो लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग बाहर की ओर भाग गए। वहीं मसालची व वेटर अंदर ही थे। हालांकि वेटर ने भी बचने की काफी कोशिश की लेकिन वह आखिर में झुलस ही गया। जब सिलेंडर ब्लास्ट हुई तो इसकी सूचना लोगों ने पुलिस व दमकल विभाग को दी। दोनों विभागों की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस घटना में रेस्टोरेंट भी पूरी तरह से राख हो गया। पुलिस ने मसालची के शव को पोस्टमार्टम के लिए IGMC भेज दिया है। ये सिलेंडर कैसे फटा फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस सभी सबूतों को जुटाने में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आग लगने के कारणों का पता लगाया जाएगा। वहीं भाजपा विधायक सुरेश भारद्वाज भी मौके पर मौजूद रहे।